तो पावर बटन के साथ ये टच में ऑन हो जाएगी। ये आप 1 2 3। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी किचन में यूज़ होने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई है, वो है आपकी चिमनी। चिमनी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जब भी चिमनी का नाम आता है, जब भी आप लेने की सोच रहे हैं, या आपके घर में जो भी फीमेल है वो आपको जो है लेने के लिए सजेस्ट कर रही हैं, या आजकल की किचन में हम यूज़ करते ही हैं चिमनी, खासकर इंडियन फैमिली, क्योंकि इंडियन में हम लोग ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, ये सब खाना हम बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम चिमनी का यूज़ काफ़ी करते हैं। तो जब भी आप चिमनी लेने जाते हैं तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं, कौन सी चिमनी लें, कौन सी बेस्ट है, कितने टाइप की होती है, कैसे ऑपरेट करना है, कितने प्राइस की आएगी, कैसे इसको यूज़ करना है। इस तरीके के सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको ईजिली मिल पाए। तो अगर हम बात करें चिमनी की, तो चिमनी के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स की बेसिकली चिमनी आती हैं। टाइप्स के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में कि कितने टाइप की हैं, क्या क्या इन टाइप्स में डिफरेंस होता है, ऑटो क्लीन चिमनी क्या होती है, कन्वेक्शनल कंटेम्प्रेरी चिमनी क्या होती है, कौन सी चिमनी आपको लेनी चाहिए आपकी किचन के अकॉर्डिंग, कि बड़ी किचन है तो कौन सी लें, छोटी किचन है तो कौन सी लें, एग्जॉस्ट फैन क्या रिप्लेस कर सकता है आपके चिमनी को, अगर आप सिर्फ एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो क्या आप चिमनी का काम एग्जॉस्ट फैन से कर सकते हैं, या फिर आपको एग्जॉस्ट फैन के साथ साथ चिमनी भी लगानी होगी, या फिर किसी एक से भी आपका काम चल सकता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं एग्जॉस्ट फैन के फंक्शन की। एग्जॉस्ट फैन का जो काम होता है वो होता है दोस्तों कि जब भी धुआं जो इकट्ठा हो जाता है, जो गर्म हवा जो इकट्ठी हो जाती है, उसको एग्जॉस्ट फैन आपका बाहर फेंकता है। तो एग्जॉस्ट फैन आपका बाहर कब फेंकेगा, जब किचन में आपका पूरा धुआं, जब आप पराठे वराठे बनाते हैं तो क्या होता है पूरा धुआं आपकी किचन में फैल जाता है, उसके बाद एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर फेंकता है। तो ये एक तो काम होता है आपके एग्जॉस्ट फैन का। एग्जॉस्ट फैन में जब भी आप काम करते हैं तो एग्जॉस्ट फैन सिर्फ आपके धुएं को फेंकता है, ऑयल आपका जो आप ऑयली खाना खाते हैं, ऑयली खाना पकाते हैं, झोंक लगाते हैं, पराठा बनाते हैं, पूरी भटूरे पकोड़े तलते हैं, तो क्या होता है आपका धुआं तो बाहर निकल जाता है, जो भी धुआं उठता है, लेकिन जो ऑयल है वो आपके किचन में जम जाता है, और वो थोड़ी किचन अगर आप सफाई नहीं करते तो थोड़ी अनहाइजेनिक हो जाती है, और आपकी ऑयल जो ग्रीस टाइप है वहाँ पर उस तरीके से जम जाती है, और उसको आपको उसको साफ करना पड़ता है। तो ये तो हो गया एग्जॉस्ट फैन। लेकिन चिमनी, फिर चिमनी हम क्यों लगाते हैं, चिमनी का क्या काम है? चिमनी क्या होती है, आपके बर्नर के ठीक ऊपर लगती है। तो बर्नर के ठीक ऊपर लगने के कारण जो आपका धुआं है वो पूरी किचन में फैल नहीं पाएगा, उससे पहले ही कि चिमनी सक कर लेती है, साथ ही साथ आपके जो ऑयल है उसको भी वो सक कर लेती है। तो ऑयल को भी सक करने के कारण क्या होगा कि धुआं और ऑयल दोनों को सक करेगी और आपकी किचन से बाहर फेंक देगी, तो आपकी किचन भी हाइजेनिक रहेगी और जो खाना बना रहा है उसको भी खाना खाने में मजा आएगा, और वो भी आपको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने वाले हैं। तो ये था आपका कि एग्जॉस्ट फैन या फिर चिमनी। तो एग्जॉस्ट फैन को रिप्लेस कर, जो एग्जॉस्ट फैन है, क्या हम चिमनी की जगह सिर्फ एग्जॉस्ट फैन यूज़ कर सकते हैं? तो इसका जवाब मेरा होगा नो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है, क्या कारण है इसका, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जॉस्ट फैन सिर्फ आपके धुएं को बाहर फैलता है, वो भी तब जब आपकी किचन में पूरी तरीके से धुआं फैल चुका होता है, और चिमनी आपके धुएं और ऑयल दोनों को ही सक कर लेती है, तब वो उसको फेंक देती है। क्या एग्जॉस्ट फैन के साथ हम चिमनी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप एक जो चिमनी है, चिमनी के साथ आप एग्जॉस्ट फैन को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी आप चिमनी लेने जाते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो आपको बात का ध्यान रखना है वो है साइज़। जो भी आपका गैस बर्नर का साइज़ है, आप 3 वाला ले रहे हैं, 4 वाला ले रहे हैं, 2 वाला ले रहे हैं, या जो भी आप ले रहे हैं, आप जो है होप ले रहे हैं या फिर बर्नर ले रहे हैं, वो आपको देखना है कि कुक टॉप है कि क्या है। तो जो साइज़ है चिमनी का वो या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। आपके बर्नर से चिमनी का साइज़ कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो प्रॉब्लम होगी, और बड़ा तो फिर भी चल जाएगा, बराबर होगा तो भी ठीक है, बड़ा ही आप कोशिश करें कि जो आपका बर्नर का साइज़ है उससे थोड़ा सा बड़ा हो। हाइट जो है आपकी चिमनी की वो 60 से 75 सेंटीमीटर तक आप लगा के रखें, 60 to 90 सेंटीमीटर तक आपका जो बर्नर है वो आपका आता है। आगे बात आती है आपकी सक्शन पावर की।
सक्शन पावर जो आपकी जो चिमनी है जो सक करती है वो पावर भी आपने चेक करनी है, क्योंकि अगर आपकी चिमनी बहुत बड़ी है और आपकी सक्शन पावर जो आपकी किचन है सॉरी वो बहुत बड़ी है और जो सक्शन पावर है वो कम है तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं रहेगी। आपको ऐसी चिमनी लेनी है जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है और उसके बेसिस पे आपको सक्शन पावर के अकॉर्डिंग आपको जो चिमनी है वो आपको लेनी है। तो ये तो हमने बात की कि साइज़ की, सक्शन पावर की, कौन कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे हिंडवेयर है, प्रेस्टीज है, ग्लेन है, एलिका है आपकी, ठीक है, तो प्रेस्टीज है, तो ये आपकी काफ़ी सारी हैं जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कंपेयर कर सकते हैं और अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसको जो है ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई है हमारी साइज़ की, बात हो गई है हमारे जो आप कह सकते हैं कि कौन कौन से साइज़ में अवेलेबल हैं, क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, ये बातें हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद की एग्जॉस्ट फैन की हमने बात कर ली, अब देखते हैं हम कि जो सक्शन पावर जितनी आपकी होगी ना उतना ही आपका नॉइस भी होगा। तो आप अपनी जो आपकी किचन साइज़ है उससे ज़्यादा आप सक्शन पावर लेने की कोशिश ना करें कि मतलब जैसे मान लो आपकी 1000 की सक्शन पावर में काम चल सकता है तो आप 1200 ले लें, बट 1500 ज़्यादा हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सक्शन पावर है उससे आपकी चिमनी का सुबह जो थोड़ा लोड पड़ेगा और उसका नॉइस भी बढ़ेगा, तो उस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। एक आती है दोस्तों ऑटो क्लीन चिमनी और एक होती है आपकी चिमनी जो है आपको क्लीन करनी पड़ती है, तो वो भी आप देख सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, आप ऑटो क्लीन या आप जो है नॉर्मल वाली चिमनी ले सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी किचन में चलकर प्रैक्टिकल, और वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से फ़िल्टर होते हैं, किस बात का आपको फ़िल्टर का ध्यान रखना है, कौन से फ़िल्टर वाली अपनी चिमनी लेनी है और ऑटो क्लीन चिमनी लेनी है या नहीं लेनी है, क्या क्या प्रोसीजर होता है और कैसे आप उसको ऑपरेट करते हैं। तो मिलते हैं अपनी किचन में। तो दोस्तों जो मैंने चिमनी परचेज़ की है वो है आपकी एलिका की, जो एलिका है आप देख सकते हैं एलिका की चिमनी मैंने परचेज़ की है। तो ये मैंने जो परचेज़ की है वो है दोस्तों आपकी ऑटो क्लीन चिमनी, और ऑटो क्लीन चिमनी का फ़ायदा क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये चिमनी अपने आप ही क्लीन हो जाती है, आपको सिर्फ ऑन करना पड़ता है, ये आपका बटन है जो आपको प्रेस करना पड़ता है ऑटो क्लीन के लिए, और जो भी ऑयल जो लगा होता है वो आपका कलेक्ट होके ऑयल कलेक्टर में आ जाता है, ये इसका ऑयल कलेक्टर है, इस ऑयल कलेक्टर में ये आ जाएगा और आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चिमनी आती है ऑटो क्लीन वो आती है आपकी जो आपको एक बार गर्म पानी से साफ करनी पड़ती है, वो भी ऑटो क्लीन आती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि जो अब आप चिमनी ले रहे हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखनी पड़ती है वो है दोस्तों फिल्टर्स। ये फिल्टर्स जो आप देख रहे हैं इन फिल्टर्स का आपको जो है ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो फिल्टर होते हैं वो होते हैं आपके कैसल फिल्टर। कैसल फिल्टर कैसा होता है, कैसल फिल्टर होता है आपका जो है जैसे कि आपने जाली देखी होगी, जाली के तरीके से, मतलब उसमें छोटा छोटा एरिया होता है, छोटे छोटे एरिया में आपकी जगह जो है वो खाली होती है, तो उन छोटे एरिया में से जो है आपका धुआं चला जाता है, ऑयल जो है रुक जाता है। जैसे कई बार आपने अगर आपका जो बर्नर है कहीं पर आपकी खिड़की के साथ है तो क्या होता है कि खिड़की पर भी जो आप जाली देखते हैं तो धुआं तो बाहर निकल जाता है लेकिन वो खिड़की पर ऑयल और ग्रीस टाइप वो जमने लगता है, वहाँ पर काला हो जाता है। तो सेम फंक्शन होता है आपके कैसल फिल्टर का। तो अगर आप चिमनी ले रहे हैं तो कैसल फिल्टर को बिल्कुल अवॉइड करें, वो फिल्टर आप ना लें। दूसरा होता है बफर फिल्टर। बफर फिल्टर जो मैंने आपको दिखाया है इस तरीके का होता है, ये लाइंस होती हैं इसमें, इस तरीके की कर्व है ये थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपका जाएगा ये, एक सेकेंड मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये ओपन भी हो जाता है इस तरीके से, ये अंदर ए चिमनी का फंक्शन है, या आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। आप जब भी इसको यूज़ करें तो इसको पहले आप उतार सकते हैं, मैंने अभी तक उतारा नहीं है लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। तो ये है बफर फिल्टर। बफर फिल्टर में क्या होता है कि आपका बफर फिल्टर में इजीली आपका धुआं और जो है आपका ऑयल इजीली जो है सक हो जाता है और चिमनी इसको बाहर फेंक देती है। थर्ड होता है कार्बन। कार्बन फिल्टर यूज़ होता है बेसिकली जहाँ पे कुछ स्मेल ज़्यादा रहती है, और एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो जहाँ पर आपको प्रोफेशनली यूज़ करना हो, मतलब जहाँ पे खाना ही खाना ज़्यादा पकता है, तो वो होता है बेसिकली आपका यूज़ एंड थ्रो। जब भी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ करोगे कार्बन को, और वो थोड़े टाइम बाद बिल्कुल यूज़ होकर बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपको उसको रिप्लेस ही करवाना पड़ता है, तो वो यूज़ एंड थ्रो। तो फिल्टर की बात आ गई, तो फिल्टर जब भी आपको लेना है तो आप बफर फिल्टर लें, जो पहला है आपका और जो आपका लास्ट वन जो मैंने बताया उसको आप अवॉइड करें, वो वाला फिल्टर आप बिल्कुल भी ना लें। सेकेंड बात ऑटो क्लीन, अगर आप हर रोज़ कर सकते हैं
क्लीन, तो आपको वो वीकली में तो एटलीस्ट आपको क्लीन करना होगा ताकि आपकी चिमनी अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करे, उसकी सक्शन पावर अच्छे से रहे। अगर आप वीकली क्लीन कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं नॉर्मल चिमनी के साथ, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये ऑटो क्लीन चिमनी आप ले सकते हैं। ये ऑटो क्लीन चिमनी है एनिका की। बात हो रही थी बर्नर, जैसे कि मैंने 3 का बर्नर लिया है, तो जो बर्नर साइज है उसकी साइज के थोड़ी बड़ी होनी चाहिए या इक्वल, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, आपको जो ध्यान रखना होता है कि बर्नर को पहले ऑन करके और चिमनी ऑन ना रखें, इससे थोड़ा आग लगने का खतरा होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच है, मैं इस स्विच को यहाँ से ऑन कर देती हूँ। जैसे ही ऑन करूंगी तो ये यहाँ पे आपकी जो चिमनी वो ऑन हो जाएगी। ये पावर बटन है, पावर बटन से ये टच है पूरी, तो पावर बटन के साथ ये टच में ऑन हो जाएगी। ये आप 1, 2, 3 पावर के पास, तो जितना आप पावर पे चलेंगे उतना नॉइज होगा और उतना उसके अकॉर्डिंग ये होगी। इसमें LED लाइट्स भी लगी हुई है, ताकि आप ये देख सकते हैं लाइट का बटन है यहाँ पर, तो ये LED लाइट के साथ भी आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। ये मैंने मिनिमम पे चलाई है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि वीडियो में नॉइस ना आए, तो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया 1st, 2nd, 3rd ये बटन है। कई में जो है इस तरीके से एरो बना होता है, मतलब आप स्पीड को कम कर सकते हैं और स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ये लाइट का बटन यहाँ पे इस तरीके का है, कई में बल्ब दिया होता है तो वो लाइट का आपका बटन होता है। आप ये बटन जो है ये है ऑटो क्लीन का। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगी, स्विच मुझे ऑन करना है और इसको मुझे जो है क्लिक करना है 15 से 20 सेकंड के लिए। ये जो भी ऑयल इसके अंदर जो जमा होगा उसको सारे को इकट्ठा करके ये ऑयल कलेक्टर में डाल देगा। ऑयल कलेक्टर में आपको क्या करना है, जस्ट आपको ऐसे निकालना है इस ऑयल कलेक्टर को। ये अभी एज इट इज़ नया है तो इसलिए मैंने इसको यूज़ अभी तक किया नहीं है, 10-15 दिन ही मुझे इसको यूज़ करते हुए हुए हैं। तो ऑयल कलेक्टर को आप यहाँ से निकालेंगे और उसको थ्रो करके आप इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश करके आप यहाँ पे वापस से इस फिल्टर को ऐसे ईजिली लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने बात की कि कौन सी चिमनी आपको लेनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ इसको आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप कौन सी चिमनी यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जो लोग नए हैं पहली बार मुझे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।